these two brave hearts from Rohtak, the two sisters, Pooja and Aarti, are with us, as is their father. We'll go straight across to them now. Pooja and Aarti, first of all, आपके जो आपने किया है उससे सब लोग देख के बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके की ब्रेवरी दिखाई है उससे सारे देश की लड़कियां प्रेरित हुई हैं। लेकिन सबसे पहले आप दोनों हमें बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये इंसिडेंट स्टार्ट कैसे हुआ, आप लोग कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे और हुआ कैसे ये? मैडम, एक्चुअली हम रोहतक बस स्टैंड से चल रहे थे, तो वो हमारे साथ नंबर लिख रहे थे अपना और हमारी तरफ फेंक रहे थे। तो हमने कहा, हमारी तरफ नंबर मत फेंको, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा नंबर। बोलते हैं कि हमें तो फ्रेंडशिप करनी है, नंबर लो। और तेरी औकात ही इतनी है कि तुम नंबर उठा और कॉल कर। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी। आज तक आप जिस भी लड़की पे मैंने हाथ रखा उसी लड़की ने कॉल किया, तेरे को भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, जज कर ले जो करना है। तो मैडम हम बस में चढ़ गए। उसके बाद बोला 6-7 सीट नंबर किसका? मैंने कहा मेरा है। क्या हुआ? बोला उठ यहाँ से और स्टेपनी पे बैठ। तेरी औकात स्टेपनी पे बैठने की है, यहाँ सीट पे मत बैठ, उठ यहाँ से। मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। फिर मैडम एक लेडीज थी हमारे पीछे, उसने कहा क्यों जबरदस्ती कर रहा है तू लड़कियों के साथ, पागल हो गया? बोला ले हम तो तेरे साथ कर लेंगे, अगर लड़कियाँ नहीं करवा रही तो तेरे साथ कर लेंगे। चल वो उस लड़की को छेड़ने लग गए मैडम, उसके कपड़े वपड़े टच करने लग गए। तो मैंने उस लड़की को भी, हाँ जी मैडम। तो मैंने कहा लड़ाई हमारे साथ है, हमारे ही साथ रख। उस वो लड़की प्रेग्नेंट थी, शादीशुदा थी, तो उन्होंने कहा उसको कुछ मत कह। बोला कोई बात नहीं, हम तो तेरे को भी कह लेंगे, तू भी बड़ी झांसी गिरानी बन रही है। तो आरती, जब कोई बीच बचाव करने के लिए भी आया तो सिर्फ एक यही लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी? जितने आदमी हम देख रहे हैं ये पूरे जो फुटेज है उसमें, एक भी आदमी आया जिसने बीच बचाव करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की? आए तो जरूर, लेकिन ये बोलने के लिए बेटा इनको मार मत, ये लड़के हैं, तेरी लाश मतलब छोड़ दो, चलने देंगे, तेरा रेप कर देंगे बेटा, तेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे, क्या करेगी? अच्छा, तो जो आदमी थे वो उनको रोकने की जगह आपको सलाह दे रहे थे कि ये मत करो, चुपचाप सहती रहो जो हो रहा है। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने देखा कि बदतमीजी ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मैंने इसको बोला कि पूजा अब है ना, ये हमें मारे ना, इससे पहले हम ही ने मार देते। इन्होंने सलाह बनाई थी, पहले एक लड़के को बुला लिया, पहले ये दो थे, बट फिर इन्होंने एक लड़के को कॉल की कि जब आप लोग ऑलरेडी बस में थे, इन्होंने एक और लड़के को फोन किया भोरगांव में, रोहतक से निकलते ही भोरगांव आता है, तो वहां पे उसने कॉल की कि एक दो लड़कियों को पीटना है, तो बालोट गांव से एक लड़का और चढ़ा बस, मतलब और लोगों को बुलाया बस में, तीन हो गई। तो इन्होंने देख के हमारी तरफ इशारा किया ये दोनों है, तो उसने कहा अरे कुछ ना है, जट टू लैंग्वेज, अरे कुछ ना है, एक मिनट में पीट कर जाते रहोगे। इसने पिटन के चक्कर में, इससे पहले ये हमने कुछ कहा है, हम मैं बता देंगे हम के। मैं बोली मैं कहा छोरे सुन ले, मेरे तो कुछ कहने की जरूरत मत कर दिया, मैं उन माता ना हूँ, तेरी सहन करूंगी, फोड़ दूंगी, मेरे को कहने मत आ जाइए। बोला क्यों, क्या कर देगी? हाथ लगाने लगा, किस वगैरह के सारे करने लगा बदतमीजी। मैं उठ कर बोली मैं अब की बार जो मेरी साइड किस करी ना तो बता दूंगी, किस करनी है अगर शीशे की साइड दे, कितनी भी कर, मन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी साइड मत कर। करूंगा, अच्छा मैंने जाकर मांगा अब की बार कर, जैसे मैंने बोला ना उस लड़के ने मेरे पर अटैक कर दिया और दो लड़के मतलब मारा आपको, आपका आपको पकड़ा, धक्का मारा, आपको दिख रहा होगा धक्का मारा, मैं गिर जाती हूँ जी, और मेरी बहन को पकड़ लिया दो लड़कों ने, तो वो मेरे साथ, मैं जैसे धक्का मारा तो मैं उसको मारने लगी, तो वो मुझ पर हावी हो रहा था, क्यों वो मुझसे कम से कम 6-10-11 इंच लंबा लड़का, हाँ वो तो दिख रहा है। उस टाइम आपको लगा कि शायद कोई मेरी मदद करने आएगा, मुझे ऐसा लगा था? कोई नहीं आएगा, पता था? बस मैं डेली देखती हूँ मैं, और डेली मैं कहती भी हूँ बॉयज को कि ज्यादा बकवास मत करो, पूरी बस हमें बोलती है, बॉयज को कोई कुछ नहीं बोलता जी, ये मेंटेलिटी डेली की होती है। तो ये रोज की बात होती है, अभी तक बद्दे बद्दे चीजें कहते थे, इस बार हर एक लड़के के साथ होता है रोहतक रूट में ये, और ना ही कंडक्टर कुछ करता, ना ही ड्राइवर कुछ करता, और ना ही कोई बस में बैठा पैसेंजर कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस ये बोला जाता है बोर के हैं, जमीन कंडक्टर भी कभी कुछ नहीं कहता है, बस यही बोल दिया जाता है, कंडक्टर बोलता तो ज्यादा छोरे आराम से बैठ जा रहे हैं, छोरे आराम से बैठ जा रहे हैं, छोरा ना कुछ सुननी होती है नहीं। पर इस सब के बीच में पूजा बस चलती जा रही थी, तो बस और कंडक्टर, बस ड्राइवर और कंडक्टर वो ऐसे कर रहे थे जैसे ही कुछ हो ही नहीं रहा है, बस चलाए जा रहे हैं, कंडक्टर कहाँ था? हाँ जी, कंडक्टर अपने टिकट्स वगैरह कट कर रहा था और बस ड्राइवर बस चला रहा था, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये कुछ कह रहे, बस एक लड़की ने हमारी हेल्प की थी, वही बोल रही थी, उसी को फिर ये लड़के उसी के साथ बदतमीजी करने लगे, तो फिर जैसे इसने मेरी बहन को दगाया और मेरे को पकड़ा, मैंने सोचा मेरी बहन पे काफी हावी हो गए थे, मैंने सोचा हाथ तो नहीं जाएगा मेरा, मैं काफी दूर थी, तो मैंने बेल्ट निकाल के इनको मारना स्टार्ट कर दिया, पहले उन दोनों लड़कों को मारा फिर इस लड़के को मारा। पर पूजा ये बताइए, पूजा और आरती दोनों जब
और हम सबके साथ हुआ है, हम सब भी जब बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, लोग 10 चीज़ें कहते हैं, वो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं बोलो मत, चुप रह जाओ, निकलने दो इनको, बदतमीज है, गंदा गला, गंदे नहीं। हाँ, पर इस सब के बीच में ऐसा हुआ क्या, आपके दिमाग में क्या हुआ ऐसा कि आपने कहा बस बहुत हो गया, अपना सलाह जो है, अपना मशवरा अपने पास रखो, इनको तो आज सिखाना ही है। मैडम हमें टच करना स्टार्ट कर दिया था, इनकी मेंटेलिटी थी जो बहुत ही ज्यादा गंदी होती जा रही थी, इन्हें टच करना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसे टच कर रहे थे बराबर में खड़े खड़े, और हमें हमारी तरफ किस के इशारे कर रहे थे, और उनको इससे भी हिम्मत मिल रही होगी कि और कोई कुछ कर नहीं रहा था। बिल्कुल मैडम, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जितने भी पैसेंजर है यही बोल रहे हैं कि रहन दो रहन दो, और हमारे फोन थे जो हमसे छीन लिए गए थे, 10-91 पे भी फोन नहीं कर सकते थे हम, वो तो हमने एक कोई लड़का था ऐसे हाथ में अपना फोन, फोन किसने छीने, ये पैसेंजर ने मैडम, जो आपसे बदतमीजी कर रहे थे या बाकी लोगों ने, बाकी पैसेंजर से, जो मैडम बोले पुलिस को बीच में मत लाओ, ये तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। अच्छा, तो आप अगर कोशिश भी करें कि पुलिस को कॉल करें तो इन लोगों ने आपको पुलिस को कॉल करने से भी रोक दिया। बिल्कुल मैडम, पर ये बताइए आप कॉलेज जाते हैं इसी रूट से रोज जाते हैं, जो बस में जो लोग होंगे उनमें से कुछ तो आपके जान पहचान के लोग भी होंगे, इसके बावजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। एक्चुअली मैम, जो हमारे साथ डेली अप डाउन करते हैं इस बस में हमारे साथ वो नहीं थे, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी ने कॉल की थी कि बेटा आज जल्दी आ जाइयो, ठीक है मम्मी, तो हम जल्दी आए थे, और फिर एग्जाम टाइम है, कुछ बंदे आते हैं कुछ नहीं आते हैं, और हम भी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आए हुए थे, 2 जो दिसंबर है उसको मेरा एग्जाम है, इसलिए तो जल्दी जा रहे थे, इसी वजह से हमारा कोई बंदा था नहीं बस में। आरती ये भी बताइए कि ये वीडियो किसने लिया, आप लोग ने उस टाइम रियलाइज किया? मैंने उसे लड़की को पहले बोल दिया था, दी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अगर ये हमारे साथ कुछ करते हैं तो प्लीज आप हमारी इतनी हेल्प कर देना कि हमारी वीडियो बना। अच्छा, तो ये आपने खुद ही बहुत अच्छा किया, बहुत अकलमंदी की बात करी। आपसे कुछ कॉलर्स बात करना चाहते हैं आरती और पूजा, लेट्स गेट द फर्स्ट कॉलर इन। आई एम नॉट श्योर व्हाट योर नेम इज, देवेंद्र फ्रॉम गुड़गांव इज ऑन द फोन विद अस। यस देवेंद्र बोलिए। देवेंद्र अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, और अगर आप आरती और पूजा से कुछ बात कहना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी बोलिए, उनसे क्या बोलना है आपको? हाँ, हिंदी में बात कीजिए और टीवी ऑफ कर दीजिए। मेरा वॉल्यूम जीरो है मैम, मैं हिंदी में बात करूँ मैम इन लड़कियों से, शायद इनको मुश्किल होगी अंग्रेजी समझना। बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर, अंग्रेजी समझना भी हमारी मुश्किल नहीं है, आप बोल सकते हैं। मैं उसी जगह से हूँ जहाँ से बिलोंग करती है, खरखौदा के पास मेरा गाँव है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर इस तरह की लड़कियां हमारे देश में हैं तो हमें लेडीज को बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, और जितने ये मोलेस्टर्स हैं, जिस तरह की बदतमीजी औरतों के साथ कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर आप सरकारों के ऊपर भरोसा करेंगे और ये पुलिस के ऊपर भरोसा करेंगे, ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। इनके फादर को भी इनकी अपब्रिंगिंग के लिए मैं शाबाशी देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं मैं इनके फादर से कांटेक्ट करूंगा, जाऊंगा इन लड़कियों के पास, और इनको ये लड़कियां वहां नहीं रहनी चाहिए, इनको अच्छा समाज मिलना चाहिए। मैं इंसेंटिव दूंगा इनको, ये जो कुछ जिंदगी में करना। देवेंद्र जी, राजेश जी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। मैं भी खरखोदा के पास से थाना खुर्द कर रहने वाला हूँ जी। देवेंद्र जी, वी विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राजेश जी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप हमारे ऑफिस से अलग से ले लीजिएगा, एंड प्लीज डू गेट इन टच विद हिम इफ यू आर सीरियस अबाउट व्हाट यू प्रॉमिस सो फार। राजेश जी, अभी जो ये एक हमारे व्यूअर कह रहे थे, यही एक सेंटिमेंट सबका आया है कि जितना श्रेय इनको जाता है, पूजा और आरती को, उतना ही श्रेय आपको भी जाता है, बिकॉज ज्यादातर हम देखते हैं पेरेंट्स उन तरीके। अगर पापा ही सपोर्ट नहीं करते तो हम इतना आगे जा ही नहीं सकते। अगर मैडम हमें ये लगता कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम चुपचाप सुन के जाते, क्योंकि हमें लगता कि घर पे जाते ही हमें फिर से डांट सुननी पड़ेगी। तो राजेश जी, जैसे इन्होंने आपको बताया, आपको पता कैसे चला कि ये क्या हुआ? इन्होंने खुद बताया था आपको, फिर आपने क्या सोचा? मैडम, मेरे पास इनका फोन आया था, ये बोले पापा आज हमारे साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, आप जल्दी आ जाओ। तो मैं इनके पास कंसाला चौकी में पहुंचा, और कंसाड़ा चौकी में जो था के नाम ले रही ये बच्ची खड़ी थी, वहाँ पर पुलिस वाले थे, तो वो बोले भाई हमारा तो ये एरिया नहीं है, ये रोहतक में पड़ता है। तो बातचीत चलती रही, मगर इन बच्चियों को ये भी नहीं पता था ये कौन है, क्या नाम है, कौन से गांव के हैं जी। इन बच्चों में ये तो उस लड़की का है जो कुछ है, आज ये पूरा देश देख रहा है उस लड़की की वजह से देख रहा है जिसने ये वीडियो बढ़ाया। तो मैंने इनसे ये वीडियो लिया, अपने ऊपर ही हर गांव में जाके इन लड़कों को ढूंढा है,
अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी पुलिस थाने पहुंच चुकी थी, पुलिस वाले क्या कर रहे थे? आपको खुद जाकर क्यों लड़कों को ढूंढना पड़ा? उनका एरिया नहीं था, उनका कोई भी नाम, कोई एड्रेस नहीं था जी, कोई नाम नहीं था इन लड़कों का। नहीं तो लेकिन पुलिस ने अपने हाथ झाड़ दिए ये बोल के कि हमारा एरिया नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे हमारा एरिया नहीं है, रोहतक से पुलिस आने वाली है, तुरंत पुलिस आ गई। फिर आई? आई थी। नहीं नहीं नहीं, बट अब जो है, जो नया लॉ है, एंड वी विल जस्ट गेट अ लीगल कॉन्फर्मेशन ऑन दिस एज वेल, कि जब भी कोई हैरेसमेंट की घटना होती है तो एक जीरो FIR होता है। जिस भी थाने में आप जाइए वहां पर FIR लिखाना ही पड़ता है। आप कह रहे हैं कि जिस थाने में आप पहले गए, कौन सा थाना ये, उन्होंने जीरो FIR नहीं किया? ये है वो कंसाड़ा चौकी है, वहां पर एप्लीकेशन उन्होंने लिख ली थी, मगर वो बोले हमारा एरिया नहीं पड़ता, उन्होंने मदद की हमारी, हमारे को लेके उसी गांव में, पहले मैं गया था, मेरा भांजा था मेरे साथ में, हमने हर गांव में 2-3 गांव में इनको ढूंढा है, बच्चों को दिखाया, भाई इन बंदे को जानते हो? तो 2-3 गांव में नहीं मिले, तो आसन गांव में हम गए, तो वहाँ पता लग गया भाई ये आसन गांव के हैं। तो मैंने बोला पुलिस को जी ये आसन गांव के, ये नाम है इनका, और फिर साथ में पुलिस गई, ये घर से भाग चुके थे। अच्छा, और फिर हमारे को रोहतक पुलिस थी जो सदर थाना, वो हमारे को के नाम लिया रहे, यहाँ लेगी रोहतक में, हमारी FIR दर्ज हुई, बेटियों का मेडिकल हुआ। ओके, एंड इनफैक्ट हम लोग आपसे ज्यादा बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, पुलिस का उसके बाद का रवैया क्या रहा है, और कैसे इन लड़कों ने आप पर प्रेशर डालने की कोशिश की। पर एक और हमारे जो दर्शक हैं अनुप्रिया, वो बात करना चाहती हैं आपसे। यस अनुप्रिया, गो अहेड, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल बोथ ऑफ दी सिस्टर्स? हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि बहुत ब्रेव है, एंड मैं मतलब इनके लिए ताली तो नहीं बजा सकती टीवी के ऊपर, बट मैं सच में आई रियली एडमायर देम कि इन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई, और मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी डरे ना, किसी के प्रेशर में ना आए, बिल्कुल कोशिश करें, जहां तक इनको न्याय मिल सकता है उसकी कोशिश करें ये, एंड बहुत ब्रेव है। मैं अपनी बेटी को भी ये दिखा रही हूँ कि देखो ये लड़कियां कैसे इन्होंने अन्याय के लिए स्टैंड अप किया है, एंड इट्स वेरी एडमायरेबल जो इन्होंने किया है, इट्स रियली गुड। थैंक्स वेरी मच अनुप्रिया कॉलिंग इन फ्रॉम दुबई। नाउ पूजा, आपके साथ जब ये घटना हुई उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपके फादर ने बताया कि आप लोग सीधा पुलिस चौकी गए फिर उतरने के बाद बस से? हाँ जी, हम पुलिस चौकी गए थे, वहाँ पे हमसे पूछा गया क्या हुआ था, हमने पूरी डिटेल। तो ये लड़के कब उतरे बस से? ये लड़के मैडम वही जब हमारी मार पिटाई हुई वहीं से गायब हो गए थे। एक लड़का तो खेतों में चला गया था। अच्छा। एक लड़के ने ऑटो हायर की और वो भी भाग गया, और एक लड़का जब हम इन दो लड़कों को पीट रहे थे वो छुटा गया, पता नहीं कहाँ भाग गया, उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, मतलब पहले ही भाग गए सब। हाँ जी। और आरती, इतना सब कुछ हो गया, जब आपने इनकी पिटाई भी की उसके बाद क्या किसी को जरा सी शर्म आई कि कोई खड़ा हुआ रोकने की कोशिश की? मर्दान की बच्ची थी वो, तो खत्म हो गई आप सबकी, अब चूड़िया पहन लो एक एक करके। आपने बोला सबको? यस मैम। और तब भी कोई आगे नहीं आया कुछ बोलने के लिए? शर्म नहीं रह रही। बस से नीचे भी तो मारपीट हुई है, यहाँ तक कि मुझे बस से बाहर फेंक दिया गया। मेरी बहन की बेल्ट खोस ली उस बंदे ने, वाइट उसमें दिख रहा है, उसके बाद मुझे बस से बाहर फेंक दिया गया। हाँ, तब फेंका, तब फेंक दिया बस बेल्ट। मैडम बस चल रही, चलती बस से फेंक दिया। हाँ जी, मेरी कमर में चोट आई है, चलती बस से आपको उतार दिया और फिर बस रुकी, वरना बस तो रेगुलरली चल ही रही थी। अच्छा, तो चलती बस से आपको इन लड़कों ने बाहर फेंका, और तब किसी ने रुक करके, कंडक्टर या किसी ने बस रोक करके फिर आपकी मदद की कि आपको चोट लगी है? फिर मेरी बहन, तभी बस कंडक्टर आया था, उसने ये बोला था हाँ रुक जाओ पुलिस कंसाड़ा चौकी में मैं रुकवाऊंगा, बस वहाँ पे पिटवा दो तुम इन्हें। मैं कह ये तो भाग गए, अब क्या पिटवाना है, बोले तुमने भी बतेरे मार लिए, चलो छोड़ दो। ओके, पूजा, आरती और राजेश जी, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ वो भी लोग हैं जो इस सब घटना को देख करके इसके बारे में आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जगमती सांगवान, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। जगमती जी, जो आपने पूरा ये अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सुना है, अब इसके आगे इजंट इट करेक्ट दैट दिस इज वेयर द रियल चैलेंज लाइज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट पुलिस टू इंश्योर दैट दीज गर्ल्स आर नॉट विक्टिमाइज्ड फर्दर, बिकॉज ऑलरेडी अभी तक इनकी कोई मदद करने नहीं आया है, अब जो पूरी पुलिस की कार्रवाई है वो उनको करनी है, क्या इसमें इनकी मदद की जा सकती है? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? देखिए बिल्कुल, इसमें जो कंडक्टर है उसने भी हद कर दी और पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है, और ये जो ममता, आरती और इनके पिता जो हैं, इनको हम सलाम करते हैं,
और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन जो जनवादी महिला समिति है वो बिल्कुल इनके साथ है, और जो भी पुलिस वालों ने ये डिले कर रहे हैं उसकी जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और ये जो पुलिस का रवैया है, ये जो साथ में जो बस में बैठे हुए जो झांकते ताकते रहे, और ये जो कंडक्टर और ड्राइवर जो है इनका रवैया जो है, और फिर ये जो पंचायतें जो ऑपरेशंस को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक अगर प्रेग्नेंट महिला ने हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की तो कह रहे हैं कि चलो इनको नहीं छेड़ना तो तुम्हें छेड़ लेते हैं। तो हद हो गई है ये बिल्कुल। और असल में इसमें जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान बाजी करी है पिछले दिनों, हर एक तो ये कह रहा है कि लड़कियों की ड्रेस जो है, लड़कियों का चलना, तो जगमति सांगवान, लेट्स लीव पॉलिटिक्स आउट ऑफ दिस, वी डोंट वांट टू गेट पॉलिटिक्स इनटू इट, बट राहुल ईश्वर, अर्लियर यू वर एडवोकेटिंग द इंटरवेंशन ऑफ पंचायत्स एज वेल, बट हियर वी हैव दीस गर्ल्स हु आर सेइंग दैट वी डू नॉट वांट द पंचायत टू इन एनी वे गेट इन्वॉल्व, इफ एनीथिंग वी वांट एक्शन फ्रॉम द पुलिस, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दीस गर्ल्स? First of all, we are all proud of Pooja and Arati, and especially their father who supported them, and the girl who took the video, which proves crucial evidence. However, in legal terms, we should be mature enough to understand that we cannot have a knee-jerk reaction. Of course, the media should raise their voice, the female activists there should raise their righteous outrage, but there is a system of law, there is a due process of law, and we shouldn't unnecessarily connect it to the earlier statements. It was made on a different context altogether. We definitely believe girls should be empowered, they should have training in martial arts, yoga, and we should have a boy-centric value education plan. Absolutely. Nobody, whether from left absolutely. Or right, is see, that's the thing. We always talk about what we can do with the girls, Rahul, but the bottom line is, what are we doing with our boys? Look at the way they behave and they think they can get away with it every time. Boys. I have another caller with us right now. I'm just going to go across to Rajiv from Jammu now. Yes, Rajiv, what would you like to say? Hello. Please go ahead. We can hear you. Okay. I salute these little fairies. They were saved by invisible hand of God. Because when I was mugged in Dadri, I went to this thana. There was one Khattar, one Tomar, one Huda. They told me, "Tanna kya jaane humko? Hamara rule of road hai. Constitution ke scenario tu hume." So I salute you, ladies. You were saved by invisible hand of God. Good luck. Well, we have to say that, you know, they kind of saved themselves, to be honest. But thank you very much for calling in, Rajiv. Pooja aur Aarti, hume ye bhi pata chala hai ki kuch panchayat se dabav bana tha aapki family pe. Ye bataiye ki hua kya aur kaise hua? Panchayat aapke ghar aayi, kisi ka phone aaya, kya hua? जी मैडम, पंचायत जो आसन गांव के, आपके गांव के बड़े आसन गांव के लड़कों के, जहां लड़कों के गांव के, वो हमारे घर आए थे। मैडम बोल रहे थे कि हमारा लड़का, जो ये लड़के हैं इनमें से दो लड़के 18 तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे फौज में, तो मैडम वो बोल रहे थे कि हमारे लड़कों की तो ज्वाइनिंग रुक जाएगी, और रुकनी चाहिए, उनकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी अगर केस लग गया तो। आप समझौता कर लो, हम अपने लड़के का गांव के बीच में खड़ा करके मारेंगे और लड़कियों से माफी मंगवाएंगे। तो मैडम मेरे पापा ने कहा ठीक है, अगर लड़कों को एहसास हो जाता है कि उन्हें गलत किया तो फिर मैं ठीक है, मैं, मेरी भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है इनके साथ। तो मैडम उन्होंने, मेरे पापा गए अगले दिन वहां पे, तो उन्होंने ये भी करने से मना कर दिया, बोले हमारे लड़के सुसाइड कर लेंगे अगर उन्हें सुसाइड कर लेंगे लेकिन आरती माफी नहीं मांगेंगे, ये बोला मांगेंगे मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उनकी, वही बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो सुसाइड कर लेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मैं बोल रही थी अगर हमने सुसाइड कर लिया तो क्या होगा, उनके लड़के सुसाइड कर लेंगे तो हम पे ब्लेम होगा कि लड़कियों ने ऐसा किया इसलिए सुसाइड कर लिया, अगर हम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। तो मतलब एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल आप दोनों को करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल मैडम, सोचने की बात तो ये है ना कि प्रशासन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, मेन बात तो सबसे पहले सोचने की ये है कि इस इन लड़कों जैसे लड़के हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, जो एक लड़की की इज्जत को कुछ नहीं समझते वो देश की इज्जत, वो फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं। बिल्कुल हो चुके हैं जी, हो चुके 18 तारीख को ज्वाइनिंग है इनकी। नहीं, अब तो इन पे केस चलेगा ना, अब तो ये फौज ज्वाइन कर भी नहीं सकते, अब तो इनके ऊपर केस चलेगा। पर इस सब के बावजूद फिर भी उनमें किसी तरीके का, उनके खुद के जो घर वाले हैं, वो तो पुलिस स्टेशन में देख के हमें हंस रहे थे। अच्छा, कौन हंस रहे थे? वो आए जाए थे खुद लड़के, उनको हंसी आ रही थी, और इन दो दो इंस्पेक्टर वहीं पे बैठे थे। इंस्पेक्टर ने ये जरूरी नहीं समझा कि इनका मुंह अगर यहीं तोड़ दिया जाएगा तो ये आगे हंसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर भी वहीं बैठा, हम भी वहीं बैठे, और ये लोग इंस्पेक्टर के सामने हंस रहे, हमें देख देख के हंस रहे। नहीं, और लड़कों के घर वालों में इतनी तमीज नहीं, मैंने कहा लड़कों के घर वालों से,
मैं कहा अंकल अभी भी हंस रही है। बोला बेटा यहाँ से बाहर निकलने दे, एक बार इस लफड़े ने सुलझान दे, फिर देखेंगे क्या करना है। जब उनको अब शर्म नहीं आ रही है इतना सब कुछ होने के बाद, तो बाद में तो क्या ही सुलझाएंगे। सरस्वती, अनदर व्यूअर नाउ जॉइंस अस, मोर एंड मोर ऑफ दीज डिटेल्स कमिंग आउट ऑफ हाउ ईच party involved in this entire episode behaved, and there's absolutely no remorse even after all of this happening and it coming out in the open. Saraswati, what are you thinking right now? Saraswati, can you hear me? All right, we'll try and get back to Saraswati in just a bit, but agar Rajesh ji, ab main aapse ek sawal puchna chahti hu, अब आगे के लिए क्या आपको उम्मीद है कि अब किसी तरह से पुलिस की आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि जो घर वाले हैं लड़कों के उनमें अभी भी कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है? कोई डर नहीं है मैडम। तो आपको आपको ये एहसास है कि पुलिस और जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी मदद करेगी? मैडम ऐसा है, मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ूंगा और अपनी बच्चियों को हर जगह जो न्याय मिलेगा वहाँ तक लेके जाऊंगा। एंड शायद यही है पूजा और आरती, आप पहले भी बता रहे थे कि जिससे हिम्मत मिलती है, एंड ये शायद हर एक पेरेंट को समझना पड़ेगा, हर एक पेरेंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो घर में लड़की को ऐसा माहौल देना होगा जो जी सके, खुल के जी सके। जीती तो है लड़कियां, लेकिन घुट घुट के, उन्हें खुल के जीना होगा, तब जाके लड़कों की लगाम कसी जा सकती है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स तो वैसे होते हैं जैसे आपको बस में मिले थे, जो कह रहे हैं बेटा चुप करके बैठ जाओ, तुम लड़की हो, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर लड़की मार देती तो ये घर पे जाके उन्हीं लड़कियों को पीटा जाता, क्योंकि ऐसा। तो आप दोनों को किस तरीके से मतलब परवरिश करी गई है जो आप में इस तरीके की हिम्मत थी, ये बताइए। आपको क्या बोला गया है घर में? मैडम हमसे यही बोला गया है, अगर गलती है तो छोटों के सामने भी झुको, बड़ों के सामने भी झुको, अगर गलती नहीं है तो किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत कभी भी नहीं चलता और सही कभी भी नहीं दबता। और आरती ये बताइए कि जब आपके साथ मतलब ये आपका इंसिडेंट हो रहा था, आपकी उनके साथ मार पिटाई हो रही थी, उस वक्त आपको थोड़ा भी डर लगा था, क्योंकि ये तीन लड़के थे? मैम मेरे को डर नहीं लगा था, नहीं लगा, बिकॉज मेरे दादाजी मुझे कहते थे बचपन में, अब वो है नहीं, मैं छोटी सी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, मुझे अक्सर कहते थे बेटा किसी तरह डर का मजिए, और पहला हमारा ऐसा जीतता कि डर का मजिए, तू मार के अगर आ जाइए आगे मैं देख लूंगा। और मैडम डरने की बात तो ऐसी है, अगर ये लड़के हमें चार मार भी देते तो इन्हीं की बेइज्जती थी कि इन्होंने एक लड़की पे हाथ उठाया, और अगर हमने इनको दो चार मार दिए तो हमारी इज्जत है कि हमने लड़कों को पीट दिया बदतमीजी करने पर। इनकी तो किसी भी उस पे इज्जत बनती ही नहीं है, बेइज्जती इनकी है। और हम डरने की बात यह, क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मारने से कुछ नहीं कर सकते, मरना एक दिन सबको, हम मर जाते, लेकिन ये तो चैन से जी नहीं पाते, इन्हें इस बात का अच्छे से पता है। पर आपको ये लगता है कि बाकी जो लड़कियां हैं और लड़कियां हैं आपके गाँव की, आपके स्टेट की, पूरे देश की, उनमें आपको लगता है इस तरीके की हिम्मत है, क्योंकि ऐसे घटनाएं रोज होते हैं? हिम्मत सब में है, लेकिन पीछे से उनको कोई गाइड भी तो करे कि ये सब मत सो। लेकिन मैडम हमारे वहाँ की लड़कियाँ क्या सोचती हैं, नहीं अभी कुछ कह दिया तो फिर आगे तक बात जाएगी, आगे तक बात जानी चाहिए। हमारे समाज में तो ये है कि लड़कियों को जींस भी मत पहनने दो, सूट सलवार डलवाओ। मैं कहती हूँ लड़कियों को सूट सलवार डलवा रहे हो, लड़कों से धोती और खंडवा पहनवाओ। बिल्कुल सही बात। पर आपके आपके जो स्टेट है खास तौर पर हरियाणा में ये चीजें बड़ी सुनने को मिलती हैं, जो आप बता रहे थे सूट सलवार की, सूट सलवार पहनाओ लड़कियों को। पर मैडम ये मैं तो ये मानती हूँ उन लड़कों ने उस लड़की को टच किया, उन्होंने सूट सलवार डाला हुआ था, सूट सलवार को इजियर हम कट कर सकते हैं, बड़ा ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, हिम्मत है तो जींस को फाड़ के दिखाओ, हिम्मत है तो नहीं। और बात यही है जैसे आप कह रही हैं पूजा, मतलब जो लड़की सलवार कमीज पहन के भी खड़ी हुई थी, छेड़छाड़ तो उसके साथ भी हो रही थी। बिल्कुल मैडम, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, सूट से तो अच्छा हमारी जींस और हमारे यही है टॉप्स, सूट में क्या करते हैं, लड़कियां हैं चल ठीक है, ये भी गलती लड़कियों की है, उन्हें कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ऐसे सब पहनने चाहिए कि कम से कम उनकी इज्जत तो ढकी रहे। ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं लड़कियां कि बैक से बिल्कुल। और आरती अगर आपने जींस नहीं पहनी होती तो शायद आपके हाथ में बेल्ट भी नहीं होती। बेल्ट भी नहीं, और एक बात और मैम, इतनी आप देख सकते हो खिंचाता नहीं हो रही है, मेरा सूट फट जाता, पक्की गारंटी है मेरा सूट फट जाता, फाड़ना तो मेरी जींस और शर्ट को फाड़ के दिखा। बड़ी कमाल की बात किया आपने कि क्या कपड़े पहने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदर की जिस तरह की आपकी हिम्मत है उससे सही फर्क पड़ता है। मैडम मैं एक ही बात कहूंगी, जैसे हम एक हमारा स्टैंडर्ड कपड़ों से हाई होता है, हम अपना स्टैंडर्ड हाई करते हैं तो हमारे माइंड की जो मेंटेलिटी है वो भी हाई होती है। हम सूट सलवार डालते हैं हम हमेशा यही सोचते हैं चुन्नी हट गई, ये हट गया, अगर हम जींस टॉप डाल के चलते तो हमें कोई
प्रॉब्लम नहीं होती, हम आसानी से ये देख सकते हैं कुछ नहीं हटेगा, हमारा शरीर ढका हुआ और आसानी से हम इनको अच्छे से मार सकते हैं। और आप तो पुलिस में भी जाना चाहती है? बिल्कुल, अगर मैं पुलिस में चली भी जाऊंगी बाय डिफॉल्ट मेरी हाइट बढ़ भी जाए ना, तो मैं एक ही बात कहूंगी, जिस स्टेट में मैं गई ना, लड़कियों को ऐसा बना दूंगी कि बस कहीं भी सीना खोल के चलो। शाबाश। और आरती, आप क्या करना चाहती है अपनी लाइफ के साथ? मैं अपनी लाइफ के साथ यही करना, मेरा एम था मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं नहीं बन पाई। अब मैं एक ऐसे इंसान बनना चाहती हूँ, कम से कम लड़कियों के लिए तो ऐसे इंसान बनना चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए उन्हें कोई डर महसूस ना हो। मैं तो अपनी बस में ये बोलती हूँ, मेरी बस में मेरे साथ नहीं हिम्मत है तो किसी और लड़की के साथ भी छेड़छाड़ करके। और मैडम मैं तो ये बताना चाहूंगी आपको, लड़कियां हमसे ये कहती हैं कि यार तेरा नंबर देना, मैं क्यों दे दे, बोले लड़के छेड़छाड़ कर दे तुम्हारे पास कॉल ही कर दे। अच्छा, तुम में दम नहीं है कि तुम भी बोलो हमारे पास कॉल कर दो? क्यों? हम तुम्हारे सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, जब हमारे साथ कोई लड़ता तुम बोलती हो, तुम आराम से तमाशा देखती हो, क्यों बोलने हम तुम्हारे लिए? अगर आज के दिन लड़के एक साथ रह सकते हैं, एक लड़के को मारा जा रहा है, लड़के चार लड़के और ये बोलेंगे मार के दिखा भाई है अपना, अगर एक लड़की को मारा जा रहा है तो अगर लड़की ये ना मार के दिखा। अगर उस बस की सारी महिलाएं और लड़कियां आपके साथ जुट जाती तो आप मतलब कितनी मदद हो जाती है वो ज्यादा, पर कोई उठाई मिलते ही नहीं। यही तो उल्टा अपने को बचाने के साथ साथ आपको वो दूसरी महिला को भी बचाना पड़ गया, क्योंकि बाकी जितने लड़के बैठे थे उनमें तो किसी को हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी। पर आप जो है अपने आसपास के आपके दोस्त जो हैं, जो लड़कियां लड़के जितने दोस्त हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है? यस वी विल जस्ट कम टू यू इन अ मिनट रीना, बट वो कैसे रिएक्ट करता है जब पहले भी जब आप उनसे बोलते थे कि खुद की हिम्मत होनी चाहिए, वापस लड़ना चाहिए, और अब भी? एक्चुअली ये घटना हुई उससे नेक्स्ट डे हम बस स्टैंड पे देखकर खोदा, इनमें से एक लड़का हमारे पीछे खरखोदा बस स्टैंड पे था। अच्छा, तो हमारी एक फ्रेंड आई हुई थी, हमने बताया उसको, उनका नाम मोनिका, मैंने उसको वीडियो दिखा दी थी, मैंने दिखा मोनिका ये वही लड़का और आज हमारे साथ बस स्टैंड में आया। उसने आवाज मार के बोले बेटी का बेटे का लिए दोनों अकेली थी, आज मैं भी आ गई ऊपर बैठ का गो काट दूंगी, मेरा नहीं पटेगा किस साल में तेरा के होया, भाग जाइया रे, था लड़का वहीं था भाग गया था। अच्छा, तो जो एक तीसरी लड़की थी आपकी दोस्त, उसने भी आपसे सीख करके उसने कहा कि अब एक्चुअली मैम वो हमारी पहले कॉलेज की फ्रेंड थी, इस कॉलेज की फ्रेंड नहीं है। पहले कॉलेज में जो हमारी फ्रेंड थी ना वो हमारा हमेशा सपोर्ट करती थी, वो लड़कियां बहुत अच्छी थी। मैडम हम पिछले कॉलेज में तो हमारा ग्रुप था, हम पांच लड़कियां थी, हिम्मत नहीं किसी की कोई कुछ बोल दे, हमने एक लड़का नहीं पिटा, ये तो बात आगे आ गई। हमने तो ऐसे ऐसे लड़के बाइक पे लड़के भाग जाते हैं, हमने तो पीछे भाग भाग के वे भी पिटते हैं। अच्छा पूजा आरती, अब आप ये बताइए जिस तरीके का दबाव पंचायत से आया है, आप दोनों के व्यूज क्या हैं पंचायत को लेकर? पंचायत को लेकर हमारे यही व्यूज है मैडम, वो बोल रहे हैं कि हमारे लड़के सुसाइड कर लेंगे। अगर पंचायत अपने लड़कों को ये कहती पहले ही ऐसे मामले में, पंचायत को एक पहली बात तो पंचायत को ऐसे मामले में आना चाहिए, ये बताइए आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? बिल्कुल आना चाहिए, पर आना लड़की चाहिए। के साथ आना चाहिए, लड़कों के साथ नहीं। पंचायत का क्या काम होता, पंचों का क्या काम होता कि अन्याय की तरफ ना झुके, न्याय की तरफ झुके, लेकिन वो तो अन्याय की तरफ झुक रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं ना इनकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें बोलना तो ये चाहिए चल तू एक लड़की की इज्जत नहीं करता, तू देश की इज्जत क्या करेगा? नहीं बट आरती ऑल्सो ज्यादातर हमने देखा है जब भी पंचायत की खबरें आगे आती हैं, न्याय के साथ होना दूर, वो अजीबो गरीब बातें करते हैं जिनके आप पहले बता रहे थे, मोबाइल फोन मत इस्तेमाल करो, चाउमीन मत खाओ, सूट सलवार मत पहनो, लड़कियों को बोलो चुन्नी ठीक ढंग से, ये बोला जाता है। मैडम पहले की लड़कियां दूध पीती थी और गन्ने वगैरह खाती थी, तो उनका सॉफ्ट दिमाग होता था, उन्हें गुस्सा नहीं आता था। आज की लड़कियां बर्गर चाउमीन खाती है, बस में बोली गई ये बात, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। आज की लड़कियां बर्गर चाउमीन खाती है, दिमाग तो सातवें आसमान पर है। दिस इज द थिंग, वी हियर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑल द टाइम एंड दे एब्सोल्युटली डिफाई लॉजिक। रीना यू वांटेड टू कम इन ऑन दिस? यस या पद्मजा, व्हाट आई वांटेड टू से वाज फर्स्ट, सबसे पहले तो इन दोनों को सलाम करना चाहूंगी कि इतना इन्होंने हिम्मत का काम किया, यू नो इट्स रियली रियली कमेंडेबल। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट फ्रॉम दिस इंसिडेंट, यू नो देयर टू थिंग्स दैट वन कैन लर्न। वन इज दैट थिंग्स दैट वी एज पीपल ऑफ दिस कंट्री नीड टू डू एज वुमेन, एज मदर्स, एज फैमिलीज, that we need to make our boys more gender sensitive. We need to tell them that they need to take responsibility of their own behavior, and it should not always come back to that, you know, girls are behaving like this, girls are eating chowmein, and these you know derogatory remarks, these retrograde remarks which are really bad. Because if you look at this incident, you know what is going to happen, the parents of the girls of Haryana are going to say that girls in Haryana are not safe.
दे विल कर्टेल द फ्रीडम ऑफ गर्ल्स इवन फर्दर. दे विल से कि कॉलेज मत जाओ, बसें सेफ नहीं है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो. तो इन सारी इंसिडेंट से जो एक है और ज़्यादा उन पर अंकुश लग जाता है. दूसरी तरफ एक तरफ तो ये हो गया हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है. तो जैसे दिल्ली में हमने देखा है कि सेम सिचुएशन दिल्ली में आप डीटीसी के बसेस में जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं, मैंने रीना, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ रियलिटी अक्रॉस द कंट्री. वी हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन. वी हैव सीन इट इन दिल्ली, यस, बट वी हैव सीन इट इन हरियाणा, वी हैव सीन इट डेफिनेटली इन उत्तर प्रदेश. दिस अगेन ब्रिंग्स टू माइंड द इंसिडेंट इन मेरठ वेयर वन गर्ल वाज लेफ्ट टू फेंड फॉर हरसेल्फ. वी हैव जस्ट इनफ टाइम टू गेट वन मोर कॉलर इन. शकुंतला इज ऑन द फोन विद अस. यस, व्हाट डू यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम नीचे करके आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं. हेलो, यस, गो अहेड शकुंतला, कैन यू हियर मी? गो अहेड. हेलो, ऑलराइट, इट सीम्स यू हैविंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम देयर. बट पूजा राती, एक चीज और मैं आपसे दोनों से पूछना चाहती हूँ. स्पेसिफिकली वो लोग जो कि आपके साथ बस में थे और कुछ कर नहीं रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अभी कोई लॉ नहीं है जो इनको किस तरीके से पिनलाइज किया जाए, कि इनको कहा जाए कि आपने कुछ किया क्यों नहीं. क्या आपको लगता नहीं है कि एक ऐसी भी लॉ होनी चाहिए जिससे इनके ऊपर कल एक्शन लिया जा सके, कि आप अगर हो, कुछ क्राइम हो रहा हो और आप कुछ करें ना, तो आपको भी जेल में डाला जा सकता है. मैडम, लो तो पता नहीं क्या क्या बनी है. लो तो ये भी बनी है कि 10:91 की 2 मिनट की सर्विस है, बनी है. हमने 10:91 पे फोन किया, तब हमें ये बोला गया कॉल यू बैक इन 2 मिनट्स. अच्छा, तो आपने इमरजेंसी नंबर पे भी फोन किया, उन्होंने कहा कॉल यू बैक, और अब तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया. अच्छा, दैट इज शॉकिंग. Shocking, absolutely. तो मैडम, मैं यही कहूंगी लो बनाने से पहले, लो बनाने से पहले एक किसी भी बंदे को ऐसा तैयार करना चाहिए घर में, बाहर, स्कूल में, या स्पेशल कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि उनके माइंड में से खुद ही गंदगी निकल जाए कि लड़ाई उनकी है, हम क्यों लड़े. आरती, कुछ आप लास्ट बोलना चाहेंगे? एक तो सारी लड़कियों को जिनको आपने आज प्रेरित किया है, और ऑल्सो उन माता पिताओं को जिनके बेटे हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं. मैं सभी लड़कियों को तो ये कहना चाहूंगी कि सहो मत, जितना सहोगे उतना दबाव हम पे होगा. अगर हम नहीं सहेंगे तो लड़के कुछ नहीं कर सकते. और मम्मी पापा को यही बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आपके बेटे ही आपका नाम रोशन करते, उजाला तो लड़कियां भी करती हैं. वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच आरती, पूजा, राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे. होपफुली द पुलिस एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर गोइंग टू सपोर्ट यू एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द वे. एब्सोल्युटली. एंड ऑल्सो पूजा वॉन्ट्स टू बी इन द पुलिस. वी आर सर्टनली होपिंग दैट देयर इज सम वे दैट वी फाइनली सी हर इन द पुलिस फोर्स. थैंक्स सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स ऑल्सो फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट.